वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि बीएचयू में वेटरनरी में आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसका फीस स्ट्रक्चर कितना है। सो गाइस, फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसका फीस स्ट्रक्चर 56,000 रुपीज़ है पर एनम लगता है। ये हमारे पास ये एनुअल सिस्टम है, कोई सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर की ऑनवर्ड्स के 5.5 साल का कोर्स है, इसके अंदर 1 ईयर इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको पे करना होता है 51,000। और गाइस, इसमें आपको हॉस्टल जो है वो मिलता है, बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है। उसमें हॉस्टल जो पर मंथ आपको मेस के चार्जेस देने पड़ते हैं 3,000 रुपीज़ पर मंथ मेस के चार्जेस हैं। हॉस्टल फीस जो है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए 6,000 रुपीज़ पर एनम है। सो गाइस, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस बारे में समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर बीएचयू में एडमिशन लेने के बाद आपको कितनी कितनी फीस आप पे कर सकते हैं। और गाइस, कई बार बच्चों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है। लाइक यूपी गवर्नमेंट जो है आप लोगों को स्कॉलरशिप देती है। इसमें बच्चों को क्या होता है कि 51,000 वो फीस पे करते हैं तो उनकी 64,000-65,000 तक यूपी गवर्नमेंट उन्हें पढ़ने के लिए दे देती है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी हमारे पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और जो अदर स्टेट का कोटा होता है वो भी लगता है, जिसमें बच्चों को 2,000-3,000 रुपीज़ पर मंथ NTA स्कॉलरशिप दे देता है। थैंक यू गाइस।